यानी आपने एक सिस्टम बनाया, दुकान का पैसा दुकान में नहीं लगाना, घर खर्चे में नहीं, घर नहीं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चीज है, ज्यादातर माइनस पॉइंट क्या होते हैं, उसी से आप काम चला रहे हो। 3 साल तक, मेरी एक पर्सनल राय है, 3 साल तक उसका प्रॉफिट का पैसा बाहर नहीं निकलना चाहिए बिजनेस। अभी आज आप आए हो, आज आपने कितना माल लिया? आज मैंने 5,70,000 रुपए का माल लिया यहाँ से। यानी आपने 1.5 साल के अंदर 1,60,000 से चालू किया और आज 5 लाख पे आ गए। यानी आप जो यूथ है, जो कई लोग हैं अपने दुकान से ग्राहक खाली जाते हैं, उन पे नाराज होकर गुस्सा करते हैं, उन लोगों को क्या बोलोगे? नहीं, गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए व्यापार में। आज चलता ही नहीं, आज कस्टमर देख के जा रहा है कल परचेज करेगा। वेरी गुड, और 100% आएगा आपके पास नेक्स्ट टाइम। आपकी तरफ से अगर YouTube आपका चैनल देख के आएंगे, उनको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, आदाब दोस्तों, एक बार फिर दिल से स्वागत है। दोस्तों जीवन में काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो एक लक्ष्मण रेखा खींच के एक मुझे ये काम करना है, और करना है तो करना ही है, यानी ये जो ठान लेता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा, दिलीप कुमार जी मेरे साथ बैठे हैं, और ये दिलीप कुमार जी आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल सिंपल एंड सादे आदमी दिख रहे होंगे, लेकिन जब इनकी दास्तान आप सुनोगे तो मैं आपको बताता हूं, जब भी मुझे कोई प्रेरणादायक आदमी मिलते हैं, कुछ भी कस्टमर मिलते हैं या कोई भी बंदे मिलते हैं, तो मैं अजीत जोन पे उन्हें लाता भी हूं। तो दोस्तों दिलीप कुमार जी से आज हम बात करेंगे कि इन्होंने अजीत जोन से कपड़ा ले जाके कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, तो आज इनसे आप बहुत चीजें सीख सकते हो। ये हमारा एक अजीत जोन चैनल है, जिसको शायद आपने देख के फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे अजीत जोन से। तो सर यहाँ पर जो दर्शक हैं, जो बहुत जगहों से वीडियो देखते हैं, आते भी हैं, लेकिन कई लोग डर जाते हैं सर, बिजनेस नहीं कर पाते, तो मेरा दिलीप कुमार जी पहला ये सवाल आपसे रहेगा कि आप कहाँ से आ रहे हो और आपका पूरा परिचय एक बार हमारे चैनल पे दीजिए। सर मैंने आपका वीडियो यूट्यूब चैनल पे देखा था, ठीक है। फर्स्ट टाइम लॉकडाउन से पहले 2019 में मैं यहाँ से माल लेके गया था, ठीक है, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। सर आपका प्रॉपर नाम और जगह का नाम? मेरा नाम है दिलीप कुमार जी, मैं दिल्ली आया नगर अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन से आया हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपका क्या दुकान है? छोटी सी दुकान थी, 60 गज में। अच्छा, 60 गज की दुकान थी? 60 गज में दुकान थी, स्टार्टिंग जब मैंने की थी, ठीक है। आप हमारे यहाँ पर कब आए थे फर्स्ट टाइम? 2019 में। फर्स्ट टाइम कितने का माल लेके गए थे? फर्स्ट टाइम लेके गए थे मैं 1,60,000 का। अच्छा, तो वो क्या आइटम लेके गए थे यहाँ से? मैं साड़ी और सूट लेके गया था। अच्छा, अनस्ट्रेचेबल सूट लेके गया था। जब आपने 1,60,000 फर्स्ट टाइम में डाले दिल जी, तो आपके परिवार वाले भी आपको बोले होंगे किस रूट पे जा रहा है, या आपको दोस्त वगैरह ने भी किसी ने डराया होगा क्या ये काम करेगा अपने से होगा नहीं होगा, तो आपको क्या दिक्कतें आई, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है? मेरे लिए फर्स्ट टाइम बिजनेस था वो, ठीक है। शुरू में मुझे डर भी लगा, ठीक है, लेकिन जब मैं उसको ले गया तो मैंने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। सर डर क्या चीज का था? डर वन टाइम बिजनेस किया था। अच्छा, पहली बार किया था? पहली बार किया था, बराबर। पर आपके यहाँ आने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद मैंने वो माल बेचा अपना। अच्छा, बेचा पूरा माल? पूरा कम्प्लीट बेचा। ठीक है, कोई दिक्कत है ही बेचने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई और अच्छा प्रॉफिट मिला मुझे। सर आपका प्रॉफिट मिलने का और इतना 1,60,000 का माल बेचना, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं होती है सर, आपने बेचा, उस समय आपको दिक्कतें क्या क्या आई? ऐसे तो अजीत भाई मैं वहाँ 50 दुकानदार पहले से ही बैठे थे, मैं उनमें घुसा था, तो आपको क्या दिक्कतें हैं? यहाँ से जो माल लेके गए थे उसकी क्वालिटी अच्छी थी, ठीक है, और ऑटोमेटिक मेरे पास कस्टमर आए। यानी आप कस्टमर को क्वालिटी के बारे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल बोला था, ठीक है, और कॉन्फिडेंस से सेल करी मैंने। वेरी गुड, और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। अभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना प्रॉफिट कमा पाऊंगा फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपको डर भी था? डर भी तो था। आपके बच्चे वगैरह कुछ और घर पे वो डर रहे थे सब कि काम में तू फर्स्ट टाइम कर रहा है, कभी मर ना जाए, डूब ना जाए इसमें। बराबर बराबर। लेकिन जब मैंने काम किया जी, तो आज मैं सक्सेस हूँ। फिर मैं करीब 2,80,000 का यहाँ से माल लेके गया। वापस कितने महीने बाद आए? 2021। यानी 2021 में वापस 2,80,000 का? 2,80,000 का। तो वो और कोई पैसे मिला के लाए या प्रॉफिट में से कमा के लाए? प्रॉफिट में से कमा के सारा यही लगाया था। यानी आपने एक सिस्टम बनाया, दुकान का पैसा दुकान में नहीं लगाना, घर खर्चे में नहीं, घर नहीं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चीज है, ज्यादातर माइनस पॉइंट क्या होते हैं, उसी से ही आप काम चला रहे हो। 3 साल तक, मेरी एक पर्सनल राय है, 3 साल तक उसका प्रॉफिट का पैसा बाहर नहीं निकलना चाहिए बिजनेस में, तब आपकी दुकान प्रॉफिट में नहीं, आपको आगे, क्योंकि आप ये दोस्तों एक ये लोटा है, इसमें आप कितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। कोई लोग बोलता है मुझे 10,000 महीने के कमाने हैं,
तो 10,000 जितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई बोलता मुझे महीने का 20,000 कमाना, उस हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब शुरुआत में किसी के पास पूंजी नहीं होती, जो पूंजी होती है उससे काम कीजिए। अगर पूंजी बढ़ती है तो अपने व्यापार को बढ़ाइए, अगर इनकम बढ़ानी है तो व्यापार में अगर आप पूंजी निकाल लोगे तो वो व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार को आप बढ़ाने के लिए जितना भी प्रॉफिट बेस आता है डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। आपकी इनकम 3 साल पहले 10,000 रुपए महीने की थी, 3 साल बाद में 1.5 लाख रुपए महीने की होगी। इस चीज को मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल मानते। अभी आज आप आए हो, आज आपने कितना माल लिया? आज मैंने 5,70,000 रुपए का माल लिया यहाँ से। यानी आपने 1.5 साल के अंदर 1,60,000 से चालू किया और आज 5 लाख पे आ गए। तो ये पैसा और कहीं से और ब्याज से लाए हो? क्योंकि ये चैनल है इस पे तो सच बताने का। अपना प्रॉफिट सारा इसी में लगा रहा हूँ फिलहाल। यानी प्रॉफिट पूरा इसी में डाल रहे हो? पूरा इसी में लगाता हूँ और अजीत जोन से ही मान लेता हूँ जी। तो सर सबसे बड़ी चीज यही है कि दिलीप जी की मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी थी कि जितना प्रॉफिट हो रहा है वो व्यापार में लगा रहे हैं। कि आज ये 5 लाख का ले जा रहे हैं। आज क्या क्या आइटम लिया आपने सर? आज मैंने रेडीमेड सूट लिया है। अच्छा, रेडीमेड सूट और लिया है? हाँ जी। और ठीक है, पार्टी वेयर लिया है। ओके। और बिना सिले हुए भी लिया है, शरारा गरारा लिया है, बच्चों की ड्रेसे लिए है, बराबर है, दुपट्टे वगैरह लिए। तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे मैं दुपट्टे भी बेच लूंगा? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से है? वो आपकी शॉप को देख के। अच्छा, मेरी शॉप को देख के? हाँ, हमारा इतना काम बड़ा है तो मैं भी कर सकता हूँ। आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद मैं भी आगे बढ़ा। अच्छा, आप भी आगे बढ़े। बिल्कुल, अच्छा बढ़ा। दोस्तों एक चीज होती है, दिलीप जी जो बोल रहे हैं जो सही है, अगर आपको नीचे नर्क में जाना है ना तो वैसे आपकी मंडली बना लो, और आपको अगर आगे जाना है तो पॉजिटिव बंदों की मंडली बना लो। मैं खूब वीडियो में बोलता हूं का आप सपना भी देखो तो मुकेश अंबानी का देखो। अरे भाई सपना देखेंगे तो पूरा होगा। अच्छे लोगों के पास बैठोगे, पॉजिटिव लोगों के पास बैठोगे तो आप अपना काम बढ़ाओगे। अब दिलीप जी हैं, इन्होंने शायद मेरा काम देखा होगा, मेरे जैसे और बंदों का, लेकिन ठीक है वो वीडियो पे बैठे हैं तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी सोच बड़ी है। यानी इन्होंने फर्स्ट काम शुरुआत साड़ी और सूट से किया, उसके बाद आज दुपट्टे भी ले जा रहे हैं, आज पाकिस्तानी रेडीमेड सूट भी लिया है, शरारा गरारा भी लिया है। यानी इनके पास कॉन्फिडेंस आया कि मैं बेच लूंगा। यानी ये कॉन्फिडेंस मुझे जहां तक है दिलीप जी, ऐसा लगता है जब तक नहीं बेचते ना तब तक वो डर बना रहता है। बिल्कुल। और जैसे आपने, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्तों, कि आप जैसे ही आपने अगर एक दिन वो जो डर है ना खत्म हो जाएगा। आपको पहले डर होगा मैं जा रहा हूं सूरत, वहां वो बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, कैसा करेगा, माल अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला डर ये होता है। जब वो यहाँ आता है ना तो ये डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये सही बात है, बिल्कुल खत्म। इस चीज को मान रहे हो? बिल्कुल मान रहे। अब सेकंड डर उसका होता है कि मैं माल कैसे बेचूंगा, क्योंकि वो नेगेटिव बंदे है ना, हर एक आदमी के चारों तरफ घूमते हैं। ये चीज दिनचर्या हर आदमी के, मेरे भी है, इनके भी है, मैडम के भी है, वो भैया कैमरा बना रहे हैं उनके भी। तो वो नेगेटिव बंदों से बचने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगा? मेरी एक राय देता हूं मैं दिलीप जी, आप जैसे ही ले जाके कोई भी 2 साड़ी बेची फर्स्ट दिन, आपको पहले तो डर वही था कि मैं बेचूंगा कैसे। आपने 2 पीस बेचा ना, दूसरे दिन आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैंने 2 पीस कल बेचे, कल मैं 4 बेचूंगा, परसों मैं 6 बेचूंगा। अब उसके अंदर 6 में बेचने के लिए थोड़ी बहुत आपको सेल्समैन ही चाहिए होगी। बिल्कुल चाहिए दिलीप जी। तो आप 4 बेचोगे उसमें क्या सेल्समैन ही की, और 4 में बेच के आपने शाम तक 1,200 कमाया ना। तो जैसे ही वो 1,200 रुपए आपकी जेब में आएंगे ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज का ध्यान रखना कि वो जैसे ही 1,200 रुपए आपकी जेब में आएंगे ना, वो 12,000 जितना काम करेगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैं 12,000 कैसे कमाऊं, और जिस दिन आपने 12,000 कमाए उस दिन आप सोचोगे मैं 1,00,000 कैसे कमाऊं। ऐसे डर खत्म होता है। यानी जैसे ही आप बेचना स्टार्ट करते हो ये डर खत्म हो जाता है, बहुत ईजी है। दूसरी चीज, जो भी व्यापार आप कर रहे हो, व्यापार माल ले जा रहे हो, मैडम का क्या रोल है उसमें? मैडम वहां पर काम देखते हैं। अच्छा, वहां काम देखते हैं। हाँ। तो यहाँ पर मैडम आपका परचेजिंग में क्या रोल होता है? एक्चुअली एज अ मेकअप आर्टिस्ट तो मुझे कुछ कलर्स एंड पैटर्न का ट्रेंड में क्या चल रहा है उसका नॉलेज है। अच्छा, उसका नॉलेज है। दैट्स व्हाई मैं इनकी हेल्प कर सकती हूं कि क्या ट्रेंड में और क्या परचेजिंग हो सकता है। यानी यंग जनरेशन, आज की यंग जनरेशन है और इनको उस चीज का नॉलेज भी है, तो ये सर की मदद भी करते हैं कि ये टेस्ट ले लीजिए, ये आजकल की बच्चियां ये पहन रही है, आजकल की लड़कियां ये ट्रेंड में पहन रही है, तो आप ये पूरी नॉलेज है आपको मैडम ये? हाँ जी, तो उसकी वजह से मैं इनकी जैसे। अच्छा, गाइड भी कर देते हो आप, क्या क्या चीजें? दोस्तों बिजनेस चारों तरफ से चलता है,
नो डाउट दिलीप जी बैठे हैं बिल्कुल देसी बते हैं, इन्होंने अपना तरीका बताया, लेकिन मैं भी एक मेरी एक और राय दूंगा आपको कि बिजनेस को है ना, ये बोलते हैं ना दुख तकलीफ भी आती है तो चारों तरफ से आती है, अगर किसी बिजनेस को बढ़ाना है तो चारों तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा चाहे वैसा 50 लोगों की राय लेनी है तो भी लीजिए, 50 लोग जो बिजनेसमैन है जो पहले से साड़ियों का व्यापार कर रहे हैं उनसे राय लेनी है ना तो लीजिए, क्या पता किसकी राय अपने कहां काम लग जाए। तो दिलीप भाई जब आपने चालू किया था तो आजू बाजू दुकान वालों को देख के आए थे? हाँ, दुकान वालों को देख के आया था। अच्छा, लेकिन जब डर था यहाँ आने के बाद वो डर खत्म हो गया। अच्छा, तो आजू बाजू वाले दुकान वाले आपको बता देते कि उनको पता नहीं था कि हम भी दुकान करने वाले? हाँ, उनको कुछ नॉलेज दी थी, उन्होंने डराया भी था मुझे। ग्राहक ग्राहक बन के भी गए थे? हाँ, कुछ आए नहीं और कुछ डरे थे। कुछ डराया भी, पहले मैंने 60 गज का फ्लोर बनाया था, आज मेरे पास 100 गज के 2 फ्लोर है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, यानी 60 गज के प्लॉट से 2 अभी के 2 फ्लोर है 100-100 गज के, 100-100 गज के, और वहां पर शोरूम बनाया है। वहां शोरूम बनाया है। वेरी गुड। तो दिलीप जी जब वो व्यापारी आपको डरा रहे थे तब आपको क्या लग रहा था अंदर से? शुरू में डर लगा था, क्योंकि आपको ये बात है ना, बहुत यूथ जो यंग जनरेशन है जो मैडम की एज की है वो सुनेंगे तो उस समय जो उनके साथ भी बीत रहा होगा वैसा, तो आपको उस समय क्या लगा था जब वो बोल रहे थे? जब मैं दिल्ली से सूरत आ रहा था तब मेरे दिल में डर था। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अजीत जोन पे आने के बाद मेरा डर वो खत्म हो गया था। अच्छा, और डर खत्म होने का कारण क्या? आपका व्यवहार ठीक है, आपका मटेरियल ठीक है, मेरी सेल तुरंत होना ठीक है, 2.5 महीने में 250 साड़ी, यानी आखिर कॉन्फिडेंस तो माल बिकने पे है। माल बिकने पे है यानी, और जो आपके कस्टमर हैं आपसे लेके जा रहे हैं वो क्या फीडबैक दे रहे हैं? फीडबैक ये था मेरा कि क्वालिटी मेरी सबसे बेस्ट थी वहाँ पर। बराबर है। तो आप फोकस किस पे कर रहे थे? क्वालिटी पे कर रहे थे, एक रेट पे कर रहे थे, किस पे कर रहे थे? मेरा मेन फोकस था क्वालिटी और वो मेरे बेस्ट मिली यहाँ पर। बराबर है। और दिलीप भाई, और मार्केट रेट में भी बहुत अच्छा था यहाँ पर, मेरे को बहुत सस्ता मिला था ठीक है, और बढ़िया प्रॉफिट भी कमाया। दिलीप भाई एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आपने माल बेचना स्टार्ट किया तो कई ग्राहक आपसे खाली भी गए होंगे? हाँ जी, आते थे, खाली भी जाते थे। तो खाली जाते थे उनके लिए क्या करते थे आप? नहीं, कुछ नहीं करते थे जी, उनको आपका ये एक्सपीरियंस था कि लाइट जला के दिखाओ ठीक है, कम बिजली फूको, अगर कस्टमर नहीं है तो उसको लाइट को बंद कर दो ठीक है, 2 लाइट जलाओ ठीक है, और आज मैं सक्सेस बिजनेस में। सर उनको पानी वानी पिलाते थे खाली जाने वाले को? बिल्कुल, पहले जो आता था सबको पानी देते थे, किसी पे नाराज हो जाते थे खाली जाते थे? नाराज कभी किसी पे, कस्टमर तो भगवान करो भगवान, उस पर नाराज होना बेकार है। बेकार है, यानी आप जो यूथ है जो कई लोग हैं अपने दुकान से ग्राहक खाली जाते हैं उन पे नाराज होकर गुस्सा करते हैं, उन लोगों को क्या बोलोगे? नहीं, गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए व्यापार में। आज चलता ही नहीं, आज कस्टमर देख के जा रहा है कल परचेज करेगा। वेरी गुड। बराबर, और 100% आएगा आपके पास नेक्स्ट टाइम आएगा। बराबर, अगर आप उसको सही ट्रीट कर रहे हो 100% उसको आना, 100% आएगा, 100%। यानी दोस्तों एक चीज है कि व्यवहार ही सब कुछ है, ना तो कपड़े में आप घुस के देख सकते हो ना मैं घुस के देख सकता हूँ, 20 साल हो गया कपड़े का पूरा नॉलेज मुझे भी नहीं है, लेकिन कपड़ा बिकता विश्वास पे बिकता। अगर आपने गलत व्यवहार किया तो कभी भी दूसरी बार आपकी दुकान पे नहीं आएगा ग्राहक। अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, दिलीप जी जैसे सादे सिंपल आदमी हैं, इन्होंने मन की जो भावना थी आपको बताई, लेकिन इस चीज का सारांश एक ही दोस्तों, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसे मत गिरने दो, चाहे आपको लोग क्या समझा रहे हैं क्या कर रहे हैं, आपका जो मन का लेवल है ना वो सब, आप जिस कहीं भी दुकान पर जा रहे हो, जरूरी नहीं अजीत भाई की दुकान पर जा रहे हो, जिस किसी भी दुकान पर जा रहे हो वहां जाने पर आपको अनुभव हो जाएगा ये बंदा मेरे लायक है कि नहीं, ये चीज मान के चलो। दोस्तों अपन 600 किलोमीटर रात का सफर चलते हैं ना, तब हमें 50 फीट से आगे की रोड नहीं दिखती है, लेकिन जैसे ही 50 फीट चलते हैं तो आगे 50 फीट और दिखना चालू हो जाता है। बिल्कुल। और अपन 600 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं 12 घंटे में रात को, उसका कारण क्या है? जैसे ही 50 फीट पे गए 50 आगे का दिखने लग गया, फिर 50 गए तो फिर 50 आगे का दिखने लग गया। अब कोई बंदा बैठा है और उसे 600 किलोमीटर जाना है तो बैठे बैठे जा पाएगा क्या? दिलीप जी बिल्कुल नहीं जाता है, नहीं कोशिश नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे। आपको जाने के लिए उस ऊंचाई पे जाने के लिए फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, डायरेक्ट कोई नहीं चढ़ सकता, और ये अनुभव इनका बता रहा है कि आप पहली सीढ़ी से लेके 25,000 सीढ़ियां जब वैष्णो देवी के मंदिर चढ़ रहे हैं तो 25,000 सीढ़ियों पे है एग्जाम्पल, तो पहली सीढ़ी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। 1 नंबर से लेके 25,000 पर जाओगे वहां 7 दिन में पहुंचते हो या 5 दिन में पहुंचते हो या 7 घंटे से पहुंचते हो, उस बीच का जो अनुभव होगा ना वो आपका जीवन का सार है। बीच में आपको खाना भी खाना पड़ेगा, फ्रेश भी होना पड़ेगा, 5 लोग भी मिलेंगे, 5 अच्छे लोग भी मिलेंगे, 5 गलत लोग भी मिलेंगे, और पूरा जो उस रास्ते का जो अनुभव होगा आपको वो आपके जीवन में काम आएगा। जैसे दिलीप जी हैं,
इन्होंने अपना कपड़ा बेचा, इन्हें क्या क्या चीज का अनुभव हुआ इन डेढ़ से दो सालों में, उनमें से कोई ऐसी और कोई चीज जो आप बता सकते हो हमारे दर्शकों को? मेरा एक्सपीरियंस अजीत जोन का बहुत अच्छा रहा, ठीक है, और जो भी नया बिजनेस कर रहे हो सूरत आओ एक बार जरूर देखो यहाँ के जी, लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, पर एक बार विजिट जरूर करें जी, और मैंने ग्रोथ करी है, आप लोग भी ग्रोथ कर सकते हैं जी। दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, और आपके मोबाइल नंबर भी बोल दीजिए, कोई ग्राहक है आपसे कोई संपर्क करना चाहता है, आप दिल्ली में बैठते हो, और जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी ग्राहक हैं जिन्हें रिटेल में कपड़ा लेना है, हमारा होलसेल का काम है, और दिल्ली के आसपास के हो आप, तो दिलीप जी के मोबाइल नंबर बोलते हैं, इनके से आप संपर्क करके इनकी दुकान पर जाके अजीत जोन का कपड़ा ले सकते हैं। जिन्हें रिटेल में अजीत जोन का कपड़ा लेना है, गाउन लेना, दुपट्टे लेना, वो दिलीप जी की दुकान जा सकते हैं, ये मेरे कस्टमर हैं, और इनका कपड़ा बिकना अजीत भाई का बिकना बराबर सा है। तो रिटेल के जितने भी दुकानदार हैं दिलीप जी से मिल सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर बोल दीजिए सर। मेरा नंबर है 9911111470। तो दिलीप जी अजीत जोन के जितने भी कोई कस्टमर है जिन्हें रिटेल में कपड़ा लेना है और वो आपकी दुकान आते हैं, तो आपकी जवाबदारी है उनको सबको अच्छे से देना है। आपकी तरफ से अगर YouTube आपका चैनल देख के आएंगे उनको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, कुछ भी एक्सपीरियंस, आप यंग जनरेशन है और मैं यंग जनरेशन को बहुत मानता हूँ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अपने दर्शकों को कि आप बिजनेस में क्या चीज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी आपके जो दिमाग में लगता है कि अगर इन चीजों का ध्यान रखें तो बिजनेस में आगे जा सकते हैं। फर्स्ट जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, लाइक मेरा भी एक बिजनेस मैंने सोचा है स्टार्ट करने के लिए, अभी मेरा स्टार्टिंग है, जस्ट आई एम अ लर्निंग पर्सन एज अ मेकअप आर्टिस्ट। सो मेरा भी सेम यही है कि मैं भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती हूँ। सो सबसे पहले आप अपने अंदर का डर निकालिए, कंटिन्यू कुछ चीज़ों को कंटिन्यू रखिए अपने वर्क को। अगर आप सपोज कपड़े का ही बिजनेस करना है तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, जरूरी नहीं है एक साथ ही आप स्टार्ट करो, यानी शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी जी। ज्यादा अमाउंट पे ना करके थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करो एंड ये डे बाय डे ग्रो होगा। दूसरा एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैडम आपसे, आप अजीत जोन में आए, फर्स्ट टाइम आया क्या सेकंड टाइम आए? ये मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ सर, का तीसरा टाइम। तो मैडम आपको हमारे बच्चों का व्यवहार वगैरह, बातचीत का नेचर वगैरह, दिखाने का तरीका वगैरह कैसा लगा? यहाँ पे सब लोग का बिहेवियर काफी अच्छा है और जिस तरीके से इन लोगों ने कपड़े दिखाए हैं, आपको वैरायटीज दिखाई है, कलर्स भी प्रेजेंट किए हैं अपनी जो भी इनकी आउटलुक में है, सो अच्छा है। काफी सब चीजें, ये सब चीजें पूछते हैं, ऐसा नहीं आप दूर से आ रहे हैं तो आपको सामने से किसी चीज की बोलने की जरूरत है, ये अपने को सामने से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, यंग जनरेशन बोलती है, मैं उसे मानता भी खूब हूँ, और यंग जनरेशन बोलती है वो यहाँ से बोलती है, ये चीजें क्लियरिटी है, क्योंकि वो एक अनुभव, जो एनर्जी होती है वो एक अलग होती है यंग जनरेशन की। दिलीप जी वीडियो को विराम दे रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि जितने भी दर्शक हैं जो नया काम स्टार्ट करने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज दोगे? मेरा मैसेज यही है, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एक बार सूरत अजीत जोन पे जरूर आए जी, और तरक्की 100% श्योर है कि तरक्की होनी है जी, और प्रॉफिट अच्छा होना है, यहाँ का व्यवहार और क्वालिटी कपड़ों की नंबर वन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अजीत जोन पे इनका मन का भाव था इसलिए बोल दिया, लेकिन मैं बोलता हूँ जहां पर भी जाना है निठल्ले मत बैठिए, कुछ ना कुछ काम कीजिए, अगर आप काम करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे, आपको कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। काम करना है, काम करना है, काम करना, भगवत गीता में एक ही चीज लिखा है कर्म करते रहो, तो वो करना है। दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अजीत जोन के दर्शकों के लिए मोटिवेशन दिया उसके लिए खूब खूब धन्यवाद, और दिलीप जी जैसे मेरे पास हजारों लोग जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा ऐसे लोगों को मोटिव आपके सामने लाता रहूंगा और इस चैनल पर नए नए लोगों को जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें, नमस्कार, प्रणाम।